नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। कालचीनी आउट डिवीजन भुकिमबरी चाय बागान में पश्चिम बंगाल। एसटी सेल स्टेट जनरल सेक्रेटरी कालचीनी असेंबली और अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट क्विक कोऑर्डिनेटर श्रीपासंग लामा के उपस्थिति में 2857वीं तामंग सोनम लोसार मनाया गया। আমি যেটা বলতেছিলাম এটা তিন রকমের হচ্ছে। 80 বরস যারা হয়ে গেছে তারা একবার যদি ফোনের মাইনরিটি সেল উসকো এক করে চলনা হোগা। ইসপে হর কোই ধান কে ক্রিশ্চিয়ান হ্যায় হিন্দু হ্যায় বুদ্ধিস্ট হ্যায় জিস মানে सिख है जैन सभी धर्मों को लेकर चलना इसी ने दीदी इसको बनाए माइनॉरिटी से। मैं आप लोग एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखिए हम लोग में जो कालचीनी का एक व्यवस्था था, कालचीनी का एक ना मैंने मैं बोलूँ दुर्भाग्य था, जो कालचीनी से हमेशा ऐसे ऐसे एमएलए हुआ है जो जो 5 साल 10 साल 15 साल इंडिया में बिता दिया। कोई डेवलपमेंट हुआ बोलिए, कोई डेवलपमेंट हुआ जोर से बोलिए। तो इस बार का जो कैंडिडेट होगा ऐसे कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारे दुख को हमारे आवाज को दिल्ली तक पहुंचाए, जो दिल्ली से जाके हमारा अधिकार हमारा सुविधा ला सके, है कि नहीं बोलिए। और ये कहते हैं कि फिर आगे विल्सन जो चाहिए बोलिए। विल्सन तो 15 साल इंडिया बिता दिया, इस बार हमारा जो भी कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट को हम वोट दे सकते हैं तो उस कैंडिडेट को कान पकड़ के उसको काम भी दिलाने का कर्तव्य हम लोग का है कि नहीं बोलिए। वोट के समय वोट लेगा और वोट के बाद नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ना नहीं, जो भी कैंडिडेट उसके घर जाना होगा। जब वोट लिया तो भाई काम भी तुम्हें करना होगा। और मैं आप लोग एक बात बोलना चाहता हूँ, आज देखिए अलीपुरद्वार जाइए, अलीपुरद्वार में सौरभ चक्रवर्ती है 500 के MLA कितना डेवलपमेंट किया बोलिए, डेवलपमेंट होगी नहीं अलीपुरद्वार जोर से होगी नहीं। और आप जाइए हमारे फलाकत्ता अनिल अधिकारी जो स्वर्गीय अधिकारी के एरिया है वहाँ पे देखिए वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि अभी का जमाना एक उखान है, नेपाली में उखान है, बोलने मंच को पीठों पर बिक्री हुन्छ, ना बोलने मंच को चावल बिकते हैं, समझ रहे हैं। जो बोलने वाला होता है ना उसका आटा बिक जाता है और जो नहीं बोलने वाला है ना उसका चावल भी नहीं बिकता। तो इस बार हमें ऐसे करना चाहिए जो हमारे दर्द में साथ रहे, सुख में साथ रहे और दुख में साथ रहे और हमारा अधिकार दिलाने वाला है कि ना। वैसे करने रहना चाहिए जो भी है, जो भी करनी रहे इस बार हम लोग विपुल भोट से भोट देकर उन्हें विजय बनाएंगे और कालचीनी का सम्मान बनाएंगे और दीदी को एक हमें उपहार देंगे। देंगे ना भैया चोट से तो मुझे लगा आज पक्का सारा का क्षेत्र की तरफ से ढेर सारे बधाई और तालियां दीजिए तरफ से। आज एक कार्यक्रम जो किया है इसको बोलते हैं सोने पे सुगंध। अभी एमसीसी लागू हो चुका, इसी बहाना से हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए हम इच्छुक थे लेकिन समय का अभाव के कारण एमसीसी का मिल नहीं पाते, लेकिन ऐसे इस पिकनिक के बोन भोज के माध्यम से ही हम आप लोग से एक दूसरे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा मिलन समारोह है, इसके लिए मैं उन्हें माइनॉरिटी को ढेर सारे बधाई दे रहा हूँ। मैं यही कहूँगा आप इंजॉय करना है इंजॉय कीजिए, बोन भोज बनाइए, साथ साथ में इस वन प्रति वन भोज में हमें एक दूसरे से एक दूसरे को जानना होगा कि आने वाला दिन हम लोग का संकट की घड़ी है। कैसे संकट की घड़ी? आप लोग बोलिए, हम लोग यहाँ पे अभी जो आ रहे हैं किशन जो भाई हैं, जो किशन भाई जिसको जय मसीह जय यीशु कहूँगा, अगर हमारे बुद्धिस्ट हैं तो उनको लसा फेपोलो कहूँगा, और हमारे जो माइनॉरिटी मुस्लिम भाई हैं तो उन्हें आदाब, हमारे जो अगर हिंदू भाई हैं सबको राम राम। मैं यही कहूँगा बारम्बार एक ही गाना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंद है हम हिंद, हिंदुस्तान है हमारा, हम लोग कालचीनी ब्लॉक में रहने वाले सभी को हम लोग एक हैं, हमें से मिल के चलते हैं। लेकिन जब से बीजेपी नाम का वायरस आया है तब से ही जात पात का बेसी बढ़ा हुआ है कि नहीं। इससे पहले कभी जात पात देखने मिला था? बोले तो नहीं था ना, हम लोग आराम से था क्योंकि हम लोग में रोटी और पेटी का रिश्ता है कि नहीं बोलिए। मुस्लिम समाज में भी हिंदू समाज के बेटियों सब गई है और हिंदू समाज के मुस्लिम समाज के बेटी सब भी हिंदू समाज में आए, तो हम लोग में एक तो रिश्ता है रोटी और बेटी का। तो इस कड़ी इस अवस्था में इस समय में अभी है, अभी लड़ाई किस, अभी डेवलपमेंट की लड़ाई, अभी क्या शिक्षा का लड़ाई, घर घर में शिक्षा है, घर घर में डेवलपमेंट है। अभी इस समय में भी जात पात को लेकर रहने वाला कोई दल है वो पीछे भी है। देखिए ना असल शताब्दी में क्या होता था कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हो, तुम बुद्धिस्ट हो, तुम क्रिश्चियन हो, ये सब अभी है बोलिए, तो एजुकेटेड पर्सन भाई बहन है बोलिए, अभी शिक्षा का दरकार है।